अम्मा आप टेंशन ना लें, मैं बात कर लूंगा। फिलहाल तो साहिर बाहर जा रहा है, साल भर है हमारे पास। सच्ची बात है बेटा, अगर इफ्राम मेरी अपनी सगी पोती होती तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन भैया वो तो सिर्फ उस अजरा की बेटी है। मैंने साहिर के वालिद को बता दिया है कि इफ्राम मेरी बेटी नहीं है, और ये कि वो अजरा के पहले शौहर की औलाद है, जो एक बदतहजीब जाहिल और मामूली हैसियत का शख्स था, जिसने इफ्रा की पैदाइश के साथ ही अजरा को तलाक देके घर से निकाल दिया था। बहुत अच्छा किया तुमने, ये तो उन्हें बताना बहुत जरूरी था। वो मेरे बहुत शुक्रगुजार हैं, और किसी सूरत साहिर और इफ्रा की शादी नहीं करेंगे। इफ्रा का बाप एक निचले दर्जे का शख्स था, ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं है। कैसी है तबीयत, कैसा फील कर रही? अब अच्छा फील करें तुम जो यहां। ये फूल तुम लाए हो मेरे लिए, कितने खूबसूरत है। थैंक यू, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो, तकलीफ तो तुमने उठाई है। किस तकलीफ की बात कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराबी की बात कर रहा हूँ। मुझे लगा जो बात तुमने कही थी उस पर। खैर मेरी वजह से तुमने बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मम्मी को तुम्हें इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था। थोड़ी तबीयत ही तो खराब हुई थी, मर तो नहीं गई थी। खुदा ना करे, इस तरह की फजूल बातें मत करो, रिलैक्स करो, अपने जहन पे जोर मत दो। तुम कहते हो तो नहीं सोचते, चुप रहते। अच्छा खुशखबरी की बात यह कि तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आ गई है, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, हम जल्द घर जा सकते हैं।